बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, अभी हम अपना लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और अभी हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी, मार्केट फोर्सेस या इनविजिबल हैंड। देखो, ये मार्केट फोर्सेस या इनविजिबल हैंड जो बात है, ये थोड़ी सी मुश्किल से समझ में आती है, तो इसको क्लियर कर लो कि एडम स्मिथ ने ये मार्केट फोर्सेस का या इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में दिया था और उसने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को मिनिमाइज और ना इन्वॉल्व होना इकोनॉमी में ज़रूरी समझा था। और उसने बोला था कि आप मार्केट को इनविजिबल हैंड पे छोड़ दें, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दें, उसके अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में रहेगी जो एक अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे होगी। अगर वो मार्केट उसमें इन्वॉल्व होगी गवर्नमेंट, तो लोगों का मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा, लोगों को इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। और जो मार्केट फोर्सेस हैं जिनको हम इनविजिबल हैंड कहते हैं, वो खुद से मोटिवेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंसेंटिव, जो उनको रिटर्न मिल रहा होता है, जो उनका उसके अंदर जो उनको उनकी सर्विसेज का, अगर वो लैंड प्रोवाइड कर रहा है तो रेंट मिल रहा होगा, लेबर प्रोवाइड कर रहा है तो वेजेस मिल रहा होगा, कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है तो उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप में उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा। वो इटसेल्फ उसे मोटिवेट करेंगे कि वो अपने हिस्से की जो सर्विसेज है, जो पार्ट है, उसको बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म करे ताकि उसको रिटर्न मिले। अगर हम कराची की बात करें इनविजिबल हैंड के लिहाज से या मार्केट फोर्सेस के लिहाज से, देखो कराची के अंदर कहीं पर भी एग्रीकल्चर नहीं होता, ठीक है। मलीर के कुछ एरिया के अंदर हो रहा हो तो हो रहा हो, मगर कराची की जो 90% या 95% चीज़ों की डिमांड है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, वो बाहर से आती हैं, वो आउट ऑफ कराची से आती हैं। तो उसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्या मोटिवेशन होती है कि वो कराची से इतनी दूर जो ये सब्जियां और जो जो फ्रूट्स हैं, ये वो वहाँ पर कल्टीवेशन होती है, एग्रीकल्चर होता है, लोग पानी लगाते हैं ज़मीन में, फिर बीज डालते हैं, फिर खाद डालते हैं, फिर वहाँ से वो फसलें होती हैं, फिर उनको काटते हैं, फिर उनको किसी ट्रांसपोर्ट यूज़ करके उनको कराची की ये जो न्यू सब्ज़ी मंडी है यहाँ तक पहुँचाते हैं, फिर उनको स्टोर करते हैं अगर वो पेरिशेबल हैं, ताकि लोगों को फिर सुबह मिले, और फिर सुबह लोग जो रिटेलर हैं वो उनको होलसेलर से ख़रीद के फिर इलाकों तक उनको लेकर आते हैं और उनको उसी फ्रेशनेस के साथ बेचते हैं। तो उनको क्या मोटिवेशन है, वो क्या किसान को पता कि ये सब्ज़ी कौन यूज़ करेगा, वो जो किसान वहाँ मेहनत कर रहा है उसका क्या इंटरेस्ट है कि वो ताज़ा फ्रूट, अच्छी क्वालिटी के फ्रूट दे ताकि लोग खा कर उसको ज़्यादा एनर्जी आए, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उस किसान को यही नहीं पता कि इसको अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करेगा, ये कहाँ बिकेगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान है, उसे सिर्फ अपने पैसे से लेना देना है। ये जो उसका मोटिवेटिंग फैक्टर है, उसे नहीं पता ये कौन इस्तेमाल करेगा। किसान वहाँ उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है ताकि वो उसका रिजल्ट आए, फिर वो गंदम होती है, फिर वो गंदम से आटा बनता है, आटा कौन यूज़ करेगा। तो इन तमाम प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो पिकअप वाला, वो ट्रैक्टर वाला, वो किसान, वो ट्रांसपोर्टर, वो तमाम लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि इसको अल्टीमेटली जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है उस तक ये सही प्रोडक्ट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, उसको सिर्फ अपने पैसे से लेना देना है। और वो पैसा उसको मोटिवेट करता है कि वो उसको उसके नेक्स्ट स्टेप तक केयरफुली पहुँचाए ताकि उसको उसकी सही प्राइस मिले। तो ये किसान से लेकर, यानी कि फार्मर की जहाँ से वो सीड को ज़मीन में डालता है, वहाँ से लेके अल्टीमेट हमारे जो घरों के पास ठेले लगे हुए उन पे जो फ्रूट और सब्जियाँ बिक रही हैं, वहाँ तक पहुँचाने में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो इनविजिबल हैंड कहलाते हैं, वो मार्केट फोर्सेस कहलाती हैं। उनको अपने रिटर्न से लेना देना है, उनको कोई मोटिवेट नहीं करता। वो रात में वहाँ इंटीरियर से उसको मंडी में रात को स्टोर करना, फिर वो सुबह सुबह सब्जी वाला वहाँ मिडनाइट को पहुँचता है, फिर परचेस करता है, फिर सुबह सुबह फजर के टाइम वो हमारे इलाकों में सब्ज़ी लाता है, फिर उसको वॉश करता है या नहीं करता, उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है, फिर वो हमारे घरों तक पहुँचती है, फिर हम फ्रिज में रखते हैं। तो जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इनको कोई पढ़ाता नहीं है कि भाई ऐसा करना है तुम्हें ताकि लोग फ्रेश सब्जियां खाएं, लोग फ्रेश फ्रूट खाएं, ये खुद से मोटिवेट होते हैं। इनको कोई मोटिवेट, इनका वन एंड ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर होता है इनका रिटर्न, इनका इंसेंटिव, इनका अगर वो लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं या लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं या कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में,
इनका अल्टीमेट रिटर्न जो रेंट मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं और इनको इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिल रहा है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर है। इन मोटिवेटिंग फैक्टर्स को एडम स्मिथ ने किसका नाम दिया है, इनविजिबल हैंड का नाम दिया है। तो जो मार्केट प्राइस है वो दो तरह से सेट होती है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इस लेक्चर में क्या है कि हम इधर मार्केट प्राइस को या इक्विलिब्रियम प्राइस को डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्केट प्राइस जो सेट होती है, जिस पे आप कोई भी पर्टिकुलर थिंग, कोई फूड, कोई कार, कोई क्लोथ आप परचेज करते हैं, वो उसकी मार्केट प्राइस पे करते हैं। वो मार्केट प्राइस दो तरह से सेट होती है। एक होती है इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, जो के सेट होती है मार्केट फोर्सेस के लिहाज से। मार्केट फोर्सेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या है, जिसमें इनविजिबल हैंड इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, दूसरी तरह से प्राइस कैसे सेट होती है, रेगुलेटरी प्राइस। रेगुलेटरी मार्केट प्राइस या रेगुलेटरी प्राइस, ये किस तरह से सेट होती है, ये गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट बॉडीज इसको सेट करती हैं। और ये क्यों सेट करती हैं, कि इक्वालिटी की बुनियाद पे। लाइक समटाइम दूध वाले दूध की प्राइस बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो एकदम से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जो गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस एक दूध की सेट कर देती है कि भाई इससे ज़्यादा प्राइस पे कोई दूध सेल नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती है कि ये अनफेयर हो रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट अभी जब एग्रीकल्चर के अंदर गंदुम की या वीट की जो है लोएस्ट प्राइस डिसाइड कर देती है, कि जो फार्मर से जो इंडस्ट्रियल हैं, जिनकी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, जिनकी मिलें लगी हुई हैं, वो मिनिमम इस प्राइस पे गंदम को ख़रीदेंगे, ताकि किसान जाके फार्मर डीमोटिवेटेड ना हो और वो उसकी कल्टीवेशन ही ना छोड़ दे। इसी तरह से टमाटर के अंदर, जैसे कभी टमाटर की प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, ईद के डेज में 100 रुपये तक चला जाता है और आम डेज में वो 20 रुपये किलो में भी बिक रहा होता है, तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली टमाटर की प्राइस अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से भी नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह ये होगी कि आप स्मगलिंग का टमाटर इंडिया से ले आएंगे, तो इतना सप्लाई हो जाएगा कि लोकल फार्मर हमारा डीमोटिवेटेड हो जाएगा। और हमने ऐसा अखबारों में पढ़ा कि पूरे के पूरे टमाटर के खेतों पे उन्होंने ट्रैक्टर चला दिया या फसल तबाह कर दी, और नेक्स्ट टाइम वो मोटिवेट नहीं होगा कि वो टमाटर के ऊपर मेहनत करे, क्योंकि उसे पता है कि जब उसको टमाटर की प्राइस ही नहीं मिल रही, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा कि 6 महीने 7 महीने बाद मार्केट के अंदर टमाटर की शॉर्टेज हो जाएगी और टमाटर की प्राइस बहुत हाई हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो फार्मर को मोटिवेटेड रखे कि वो इतना टमाटर ज़रूर कल्टीवेट करे, ताकि उससे क्या हो, ताकि उससे शहरों की, सिटीज़ की डिमांड पूरी हो। तो इसलिए गवर्नमेंट समटाइम इन्वॉल्व होती है और वो मार्केट फोर्सेस जो हैं उनको वो इन्वॉल्व करना छोड़ देती है और ख़ुद से एक प्राइस डिसाइड कर देती है। जिस तरह से पेट्रोल की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मार्केट डिसाइड नहीं करती, मार्केट फोर्सेस हमारी डिसाइड नहीं करती कि जितनी डिमांड होगी पेट्रोल की, कहीं पेट्रोल की डिमांड कम है, कहीं पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे पेट्रोल प्राइस डिफरेंट हो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, बट ऐसा नहीं होता। वो रेगुलेटरी प्राइस होती है जो गवर्नमेंट बॉडी अथॉरिटीज़ उसको सेट करती हैं। वो प्राइस जो मार्केट फोर्सेस पे ना हो बल्कि उसको गवर्नमेंट डिसाइड करे, ऐसी प्राइस को रेगुलेटरी प्राइस कहते हैं। और वो प्राइस जिसको गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना हो बल्कि उसको मार्केट फोर्सेस डिसाइड करें, यानी कि डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे एक प्राइस डिसाइड हो, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं या प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस या प्राइस डिटर्मिनेशन कौन सी प्राइस है, वो प्राइस जिस पर क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड इक्वल हो जाएं एक प्राइस पे, वो प्राइस जिस पर बायर विलिंगली और एबल टू बाय हो और सप्लायर विलिंगली और एबल टू सप्लाई हो, एक्सेप्ट करे, वो बेचने के लिए रेडी हो, वो ख़रीदने के लिए रेडी हो, ऐसी प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। क्लियर हो गई बात। नॉर्मली हम जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम एक शेड्यूल बनाते हैं, उसके अंदर प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का, इसमें हम दोनों बनाएंगे, प्राइस क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, प्राइस हमने ली 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है,
इसमें आपको बस एक प्राइस पे इक्विलिब्रियम दिखाना है। लाइक आप यहाँ कर दें 500, 400, 300, 200, 100। यहाँ पर आप 100, 200, 300, 400 और 500। ज़रूरी नहीं है कोई आप डिफरेंट लें, आप सिंपल सा ऐसा लें जिसमें एक मिडिल पे लाकर आप उसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ले आएं। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी। ठीक है, अच्छा। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्वांटिटी डिमांड कितनी है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड है 500 की, सप्लाई है 100 की, तो ये शॉर्टेज कहलाएगी। ठीक है, ये भी शॉर्टेज कहलाएगी। और यहाँ सरप्लस कहलाएगा, यहाँ डिमांड है 200 यूनिट की और सप्लाई कर रहे हैं आप 400 यूनिट, तो सरप्लस कहलाएगा, ये भी सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस को आप इस एक्सिस पे लेंगे, यहाँ इस एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस, इस एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी, सप्लाई एंड डिमांडेड। ठीक है, तो हमने 5 कॉम्बिनेशन लिए हैं, तो हम इसको 5 इक्वल डिस्टेंस से मार्क करेंगे, 1, 20, 30, 40 और 50। इसको भी हम 5 इक्वल डिस्टेंस से मार्क करेंगे, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, अब हम ड्रॉ कर देंगे डिमांड का, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को। तो 10 पे कितना है, 10 पे 500 और 20 पे 400, 30 पे 300, 40 पे 200 और 50 पे इतना। सब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को करेंगे, 10 पे 100 है, 20 पे 200 है, फिर 30 पे 300, 400 और 500। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये डिमांड है, ये सप्लाई है। ठीक है, और ये हमारी इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी आ गई है। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर शॉर्टेज क्या है, कि अगर हम इस प्राइस पे देखें कि जब अगर हम ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, अब जब प्राइस हमारी 50 थी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट की थी, जबकि जो सप्लायर है उससे बहुत ज़्यादा प्राइस मिल रही थी तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। वो मार्केट में कितने यूनिट सप्लाई कर रहा था, 500, जबकि मार्केट में डिमांड कितने यूनिट की थी, 100। तो ये वाला जो है ये किसको शो कर रहा है, सरप्लस को, अभी सरप्लस हो रहा है मार्केट में 400 यूनिट का, कि क्वांटिटी डिमांड जब प्राइस 50 थी क्वांटिटी डिमांड थी 100 यूनिट की, और सप्लाई कब बता रहा है, क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में कितने हो रहे थे, 500 यूनिट। तो 400 यूनिट यहां पर मार्केट में सरप्लस हैं। फिर अगर अब क्या होगा, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होगा डिमांड कम होगी तो मार्केट में सेल नहीं होगा, तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर वो प्राइस को कम करेगा, मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, वो जब मार्केट में बिकेंगे नहीं तो वो सप्लाई को कम करेगा, सप्लाई को कम करेगा तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, तो जब डिमांड बढ़ जाएगी, जब प्राइस 40 होगी तो 40 प्राइस पे वो कितने यूनिट डिमांड करेगा, 200 मार्केट डिमांड होगी, जबकि सप्लाई कितने हो रहे हैं, 400, तो अभी भी 200 यूनिट की सरप्लस है मार्केट में। ठीक है, फिर क्या होगा, मार्केट और सप्लायर डीमोटिवेट होगा, जब उस सेल नहीं होंगे उसके मार्केट में यूनिट, तो वो अपनी सप्लाई को और कम करेगा, और जब प्राइस कम होगी तो और डिमांड इंक्रीज होगी, तो यहाँ आकर वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगा,
कि 30 रुपीज़ पे जितने यूनिट मार्केट में डिमांड थे उतने यूनिट सप्लाई हैं, 300 ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई होगी। अच्छा, उसके बाद अगर ये दोबारा से डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि अगर प्राइस मज़ीद कम हो जाएगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, कंज्यूमर ज़्यादा लेगा क्योंकि उसको ज़्यादा सस्ती प्रोडक्ट मिल रही होगी तो वो 400 यूनिट की डिमांड करेगा, बट सप्लायर को प्रॉफिट मार्जिन कम मिल रहा होगा तो वो कम यूनिट मार्केट में सप्लाई कर रहा होगा। 20 प्राइस में मार्केट में वो क्या कर रहा होगा, 200 यूनिट को सप्लाई कर रहा होगा, मगर मार्केट डिमांड इस वक्त 400 यूनिट है तो ये मार्केट शॉर्टेज को शो करेगा ये वाला हिस्सा, ठीक है जी, और 200 यूनिट की शॉर्टेज होगी। और अगर हम इस वाली प्राइस पे देखें जब प्राइस बिल्कुल ही लो है 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ के ऊपर क्या कर रहा है, 100 यूनिट सप्लाई थे और डिमांड 500 की थी तो ये वाला हिस्सा भी शॉर्टेज को शो कर रहा है। सिर्फ एक मार्केट फॉर, चाहे शॉर्टेज हो चाहे सरप्लस हो, दोनों कंडीशन के अंदर खुद से प्राइस इक्विलिब्रियम की तरफ मूव होती है, जो मार्केट फोर्सेस होते हैं वो खुद से प्राइस को इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगर मार्केट में शॉर्टेज होगी, जब शॉर्टेज होगी तो उसका मतलब क्या है कि डिमांड ज़्यादा यूनिट की है, डिमांड ज़्यादा यूनिट की है मगर मार्केट में यूनिट कम सप्लाई हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, सप्लायर मोटिवेट होगा कि यार मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो मुझे ज़्यादा यूनिट सप्लाई करने, तो जब वो यूनिट ज़्यादा सप्लाई करेगा तो खुद से डिमांड कम होगी क्योंकि यूनिट की प्राइस इंक्रीज होगी तो बायर डीमोटिवेट होगा, तो ये वाहिद वो प्राइस होगी इक्विलिब्रियम प्राइस जिस पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल होंगी, और ये वो स्टेबल प्राइस होगी जो खुद से एक स्टेबल प्राइस पे आएगा और दोनों मार्केट फोर्सेस इस पर एग्री करेंगे जिधर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हो जाएगी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम, इसको प्राइस डिटरमिनेशन भी बोलते हैं, इसको प्राइस इक्विवेलेंट प्राइस भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं। तो ये वो प्राइस है जहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल होता है, ये वो प्राइस है जहां पर बायर रेडी टू बाय होता है और सेलर रेडी टू सेल होता है, और ये प्राइस ड्यू टू मार्केट फोर्सेस की वजह से, ड्यू टू इनविजिबल हैंड्स की वजह से स्टेबल होती है, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच इस वाले टॉपिक में, और ये चैप्टर हम इक्विलिब्रियम वाला अपना यहाँ पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।